हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ जयंत दास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। टॉपिक है फैट कैसे कम करना है 6 डे में। 6 डे का एक चैलेंज रखा हूँ मैं खुद के साथ, आप भी फॉलो कर सकते हो मेरा वीडियो। अगर आपका बॉडी से फैट हटाना है तो क्या क्या एक्सरसाइज करना पड़ेगा ओनली 6 डे में, वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और ये भी प्रॉमिस करता हूँ 6 डे में आपका भी फैट चला जाएगा बॉडी से, आप अगर प्रॉपरली ऐसा एक्सरसाइज करोगे मेरे जैसा। सो गाइस, 6 डे का हम वर्कआउट आपको दिखाने वाला हूँ। लॉकडाउन में क्या हुआ, हम लोग जिम नहीं गया तो घर में बैठ बैठ के उल्टा सीधा खाने से हम लोगों का बहुत फैट बढ़ गया। सो गाइस, सबका एक ही हाल है, मेरा भी ऐसा हाल है, मैं अपना दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस, आप लोग देख रहे हो कितना फैट निकल गया मेरा बॉडी से। हम 6 दिन के बाद फिर से आप लोगों को मेरा बॉडी दिखाने वाला हो कि कितना फैट हम रिड्यूस किया ये सब एक्सरसाइज करके। आप वीडियो थोड़ा देखिएगा, फैट बढ़ गया, ठीक है। आपके सामने हम ये दिखाएगा, लोग ये वीडियो बीच में स्किप मत कर देना, वीडियो पूरा तक देखिएगा, ठीक है, अगर आप लोग बॉडी से फैट कम करना है तो। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है मेरा नेचुरल फैट बर्नर, जो ये पी के मैं वर्कआउट स्टार्ट करूँगा मॉर्निंग में। ये आपको एम्प्टी स्टमक लेना है, इसमें क्या क्या है मैं बाद में आपको बता दूंगा। सो गाइस, ये पी के हम वर्कआउट स्टार्ट करता है। एक रिक्वेस्ट सभी फ्रेंड्स के लिए, जो नया है मेरे चैनल पे, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम अपलोड करेंगे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हाँ दोस्त, हम लोगों को पहले ये वाला वर्कआउट करना है, स्टैंडिंग साइड लेग राइज 20 करके बोथ साइड 3 सेट करना है हम लोगों को। सेकेंड वर्कआउट हम लोग ये वाला करने वाला है, बहुत ही इजी वर्कआउट है। पुशअप या प्लैंक पोजीशन में आके हम लोगों को दोनों पैर को ऐसे करना है। सो गाइस, ये 20 करके 1 सेट होगा, ऐसे करके आप लोग 3 सेट करोगे इसको। थर्ड वर्कआउट हम लोग पहले जैसा पोजीशन में आके एक पैर को फोल्ड करके अपने हाथ पे टच करना है। सो ऐसे करके हम लोग 10 से 15 तक करेंगे, ये भी 3 सेट 3 सेट करना है, मतलब बोथ साइड होगा। सो गाइस, एक बात बोलना है सभी दोस्तों को, हम जो पहला दिन एक्सरसाइज दिखा रहा है एप्स का, ये आपको डेली करना पड़ेगा, सुबह नहीं तो शाम को। थैंक यू। फोर्थ वर्कआउट हम लोग करने वाले हैं सीटअप्स। सो गाइस, हम लोग एप्स का वर्कआउट में आ गए। इतना टाइम हम लोग वेट लूज फैट लॉस करने में लगे थे, अभी एप्स करेंगे, मतलब कोर का वर्कआउट। सो गाइस, ये वाला हम लोग 20 करके 3 सेट करना है। हम थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिफ्थ वर्कआउट में हम लोग टो टच क्रंचेस करेंगे, ये भी बहुत अच्छा वर्कआउट है, आप लोग ये 20 करके 3 सेट करोगे। सिक्स्थ वर्कआउट में लोअर एब्स का सबसे बेस्ट वर्कआउट ये है लेग राइज, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। देखो हम कैसे स्लोली उठा रहे, उठा के थोड़ा सा होल्ड किया 2 सेकेंड, फिर उसको धीरे धीरे नीचे करना है, ऐसे करके आप 10 से 15 तक करोगे इसको। ये लोअर एब्स का सबसे बेस्ट वर्कआउट है। इसी वीडियो को भी थोड़ा फास्ट कर देता है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्त। सेवेंथ वर्कआउट में आता है सीटेड लेग राइज।
तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो एक दिन में इतना वर्कआउट जो कर रहे हैं हम, और इतना ही करना पड़ेगा आपको भी 6 डे में अगर आपको वेट लूज या फैट लॉस करना है। तो इतना वर्कआउट नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी, ठीक है। तो आपको भी इतना एक्सरसाइज करना पड़ेगा और उसके साथ डाइट भी लेना पड़ेगा। क्या क्या लेना है हम इसके बाद दिखाने वाले हैं, आप सिर्फ वीडियो स्किप मत कर देना, पूरा वीडियो देखना, नहीं तो बीच में अगर आप लोग स्किप करते हो कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका फैट लॉस या वेट लॉस कुछ भी नहीं होगा। एप्स का इतना वर्कआउट करते करते अगर आप लोगों का बैक में किसी भी तरह का पेन होता है तो आप लोग मत डरिएगा, क्योंकि वो पेन थोड़ा सा होता है। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज दिखाया जो आपका वो बैक पेन भी चला जाएगा और बैक पेन होगा भी नहीं, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए आप लोग। अभी हम करने वाले इसका नाम है ग्लूट ब्रिज, इसको पेल्विक ब्रिज भी बोल सकते हो आप लोग। सो ये जब आप लोगों का बैक में पेन होगा एक्सरसाइज करते करते तो आप लोग ये वाला वर्कआउट कर लीजिएगा, तो आपका पेन भी चला जाएगा और कभी होगा भी नहीं। बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, और घर में भी जिसका बैक पेन रहेगा ये वाला वर्कआउट करने से उसका बैक पेन चला जाएगा, उसको भी बोल दीजिएगा ये वर्कआउट करने के लिए। ये 10 से 15 तक आप लोग कर सकते हो, 3 सेट करना है। लोअर एप्स के लिए ये भी बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, इसके लिए आपको मिडिल पे कुछ रखना पड़ेगा, जैसे हम ईट रखा है, पैर को एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ लेना है, ऐसे करके आप 20 काउंट करोगे, 3 सेट करना है इसको। ये वर्कआउट लास्ट है डे 1 का, तो ये है प्लैंक, थोड़ा एडवांस लेवल का ये प्लैंक है। आप लोग अगर ये वाला नहीं होगा आप लोग फ्लोर पे नॉर्मल प्लैंक कर सकते हो। तो इसी के साथ फर्स्ट डे में वर्कआउट ख़त्म, उसके बाद हम कुछ डाइट दिखाएंगे। सो गाइस हम लोग वर्कआउट के बाद क्या डाइट लेना है देखो हम दिखा रहे हैं, जैसे कि 2 eggs एंड उसके साथ थोड़ा सा ओट्स ले सकते हो आप लोग, जैसे कि हम लिया, आपको थोड़ा सा प्रोटीन एंड थोड़ा सा कार्ब्स आ जाएगा ये खाने से। सो गाइस हम एक्सरसाइज के बाद ये लेता है, आप भी ये ले सकते हो। डे 2 में हम लोग आ गए, अभी करना है हम लोगों को स्क्वाट। स्क्वाट का वेरिएशन करेंगे हम लोग, बहुत टाइप का स्क्वाट करना है हम लोगों को। फास्ट जैसे हम लोग ये करेंगे 10 से 15 तक करेंगे ये वाला, ये भी 3 सेट करना है। सेकेंड देखो माथे पे हाथ देके फिर से 10 से 15 तक 3 सेट करना है, हर एक्सरसाइज 3 सेट करके करना है हम लोगों को। आप लोग प्रॉपरली अगर ये सब एक्सरसाइज फॉलो करोगे आपको 1 हफ्ता में आप लोगों का फैट रिड्यूस होगा गारंटी के साथ।
देखो थर्ड वर्कआउट हम लोग क्या करेंगे, दोनों पैर को क्लोज कर दिया एंड माथे पे हाथ करके, हाथ दे के स्क्वाट करना है। ये भी 10 करके 3 सेट करना है आप लोगों को, हम एक सेट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये वाला देखो हम साइड करके दिखा रहा है आप लोगों को समझ में आ जाए, इसीलिए देखो ये वाला जो स्क्वाट है हम थोड़ा जार्क कर रहे हैं नीचे में, जार्क करके फिर उठना है। ये भी आप लोग 3 सेट करना है 10 करके। नेक्स्ट वर्कआउट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ये है साइड स्क्वाट। बहुत ही अच्छा वर्कआउट, करने में भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये आप एक एक साइड में 10-10 करके 20 करना है। ये भी आपको 3 सेट करना है। ये वाला वर्कआउट आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा, ये भी आप 10 से 15 कर सकते हो, 3 सेट करना है इसका भी। ये वाला वर्कआउट थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपका भी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है लेग्स का। ये भी एक एक साइड में आप 10-10 करके 3 सेट करोगे। अभी करना है जंप स्क्वाट, ये भी 20 करना है आपको, एक बार क्लोज करके 10, एक बार गैप बड़ा करके 10 करना है, मतलब आपको 20 करना है। बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है ये, वाओ वेरी गुड एक्सरसाइज। स्क्वाट ट्विस्ट, मतलब ये ट्विस्ट करके आपको स्क्वाट करना पड़ेगा। ये सब आप 10 करके 3 सेट करोगे हर एक एक्सरसाइज। डे 3 में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो वाला वर्कआउट करेंगे, जैसे कि जंपिंग, साइड लेग राइज, ये सब करेंगे वेट लूज फैट लॉस करने के लिए। जितना एक्सरसाइज हमने दिखाया सब आपको 10 से 15 करके 3 सेट करना है।
Thank you.
5 6 7 8 9 10 हाय फ्रेंड्स, तो कैसा लगा मेरा ये 6 दिन का प्रोग्राम वर्कआउट के साथ डाइट प्लान? अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्त लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग चाहो तो कर सकते हो 6 दिन में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन डाइट एंड वर्कआउट से। थैंक यू।